देखिए प्रभास की सलार से काफी बड़ी अपडेट आ गई है, वो अभी उसके ट्रेलर से ही, और साथ में ये भी जानते हैं आखिर सलार का क्या कनेक्शन होगा एनिमल के साथ। सो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। जहां तक पहले आप बता दो, कल रणबीर कपूर की एनिमल का प्री रिलीज इवेंट हैदराबाद में हुआ था, जहां हजारों लोग आए थे, क्योंकि उस इवेंट में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू और एसएस राजा मौली सर गए थे एज ए चीफ गेस्ट बन के। और भाई आप बता दो, अगर एनिमल का रिव्यू अच्छा आया ऑडियंस की तरफ से, तो ये रणबीर कपूर की एनिमल पहली हिंदी मूवी होगी जो साउथ में कम से कम 100 करोड़ तक कलेक्शन करेगी। जी हाँ, इसके एडवांस बुकिंग तमिल और कनाडा में भले ही ना के बराबर हो रही है, बट तेलुगु ऑडियंस पागल है एनिमल के लिए, और इसलिए तेलुगु में एनिमल का एडवांस बुकिंग भी काफी अच्छा हो रहा है। अभी तक 50,000 से ज्यादा टिकट एनिमल का तेलुगु बेल्ट में सेल हो चुका है, यानी रणबीर कपूर की एनिमल तेलुगु और हिंदी दोनों जगह अच्छा चलेगा स्क्रीन के ऊपर। सो इसलिए न्यूज ये है कि हम वाले कंपनी अपने सलार का ट्रेलर 1 दिसंबर को रिलीज करके रात 12 बजे से ही एनिमल के साथ अटैच कर देंगे। जी हाँ, सलार का ट्रेलर एनिमल के साथ हिंदी तेलुगु और साथ में ओवरसीज मार्केट में भी चलेगा बड़े स्केल पर, जो सच में काफी अच्छा डिसीजन है मेकर्स का। और टी सीरीज के भूषण कुमार तो प्रभास के बड़े अच्छे दोस्त हैं। जल्द ही आदि पुरुष के बाद वो अगले साल सितंबर महीना से प्रभास की स्प्रिट का भी शूटिंग चालू कर देंगे संदीप रेडिवांगा के साथ। वैसे भाई सलार का अमेरिका में एडवांस बुकिंग में काफी अच्छा खासा टिकट सेल हो रहा है। अब तक सलार का 18,000 से ज्यादा टिकट अमेरिका में सोल्ड हो चुका होगा, और सलार का टिकट का प्राइस भी हम वाले कंपनी काफी ज्यादा रखा है। डंकी से 4-5 गुना ज्यादा महंगा टिकट सलार का अमेरिका में सोल्ड हो रहा है, और इसलिए 4 करोड़ रुपया तक कलेक्शन सलार का टिकट बेच गई अभी तक हम वाले कंपनी का हो चुका है एडवांस बुकिंग से ही, जो सच में बड़ी बात है। बट अभी तार्किक डंकी का एडवांस बुकिंग का डेटा कुछ खास नहीं आया है। देखिए साथ में कल हम्बाले कंपनी अपने कंतारा फिल्म से पहला पोस्टर और एक अनाउंसमेंट टीजर भेज दिया है। जहां तो पहले भाई पोस्टर की बात करें तो ये सच में तबाही लेवल का है। लगता है ऋषभ सेठी किसी ज्वालामुखी के अंदर खड़े हैं और वहीं ये युद्ध करेंगे अपने त्रिशूल और इस हथियार से। बाकी उसके बाद पोस्टर और टीजर का VFX भी OP लेवल का है। सही में हम्बाले कंपनी इस कंतारा को बनाने में बड़ा बजट लगाने वाला है। और हाँ, अब की कंतारा की कहानी में टाइमलाइन पुराने जमाने का हो सकता है, शायद 1,000 साल पहले की टाइमलाइन हो कंतारा के चैप्टर 1 की कहानी में। बाकी उसके अलावा भाई ऋषभ सेठी का लुक वो तो कतई भयानक था इस अनाउंसमेंट टीजर में। किसी ने सोचा भी नहीं होगा अगले कंतारा में ऋषभ सेठी कुछ ऐसा भी काम करने जा रहे हैं। वैसे भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को आई लव यू।